तेरेनाम टू बहुत एक्साइटेड है, देखना चाहेंगे जरूर। सलमान खान को रिप्लेस करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। रणवीर सिंह सलमान खान एक ब्रांड है, तेरेनाम एक ब्रांड मूवी है। वरुण धवन सलमान खान लिए तो उनके एक्शन को जरूर मिस करेंगे। रणवीर सिंह इज द परफेक्ट चॉइस। हेलो गाइज, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। सलमान खान की फिल्म आई थी तेरे नाम, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत धमाल मचाई थी। तेरे नाम को लोगों ने बहुत पसंद किया था, उसमें सॉन्ग्स वगैरह जितने भी थे सब बहुत अच्छे थे, ये तो आप सब जानते ही हैं। और अब आने वाली है तेरे नाम टू, जिसमें सलमान खान नहीं नज़र आने वाले हैं। तो अभी किसी और एक्टर को अप्रोच किया जा रहा है इस फिल्म को लेकर, तो चलिए फैन से जानते हैं, पब्लिक से पूछते हैं कि क्या रिएक्शन है उनका इस बात को लेकर, चलिए जानते हैं। सलमान खान की फिल्म आई थी तेरे नाम, देखी थी आपने? हाँ देखी थी ना। कैसी लगी थी फिल्म? बहुत अच्छी थी। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा था फिल्म के अंदर? बेस्ट मतलब वो जो एक इमोशनल सीन है वहाँ पे, जो हीरोइन एक्ट्रेस मर जाती है वहाँ पे, और सलमान वो एकदम रोने लगते हैं, तो थोड़ा इमोशनल फील, टची थोड़ा अच्छा लगा। अब आने वाली है तेरे नाम टू, कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? तेरे नाम टू बहुत एक्साइटेड है, देखना चाहेंगे जरूर। लेकिन इसमें सलमान खान नहीं है, ये पता थी आपको? सलमान खान नहीं है तो उनके एक्शन को जरूर मिस करेंगे। मिस करेंगे बहुत। अच्छा, आपके हिसाब से कौन से एक्टर है जो उसके हिसाब से इस रोल के लिए फिट होंगे और उनको होना चाहिए तेरे नाम टू में, क्योंकि सलमान तो है नहीं इस फिल्म में, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को लगता है टाइगर श्रॉफ। अच्छा, टाइगर श्रॉफ की बॉडी थोड़ी अच्छी, एक्शन सीन अच्छे कर लेते, तो मैं टाइगर श्रॉफ को देखना पसंद करूंगा उनकी जगह। कहीं ना कहीं सलमान खान को इस फिल्म में कैमियो करते हुए देखना पसंद करेंगे, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हो सकता है, मेरे को लगता है सलमान भाई रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सलमान खान एक्चुअली उनके पिक्चर ये तेरे नाम और उनका सेकंड पार्ट में कैमियो रहेगा, तो उनको देखना पसंद करेंगे, जरूर पसंद करेंगे। सलमान खान की फिल्म आई थी तेरे नाम, देखी है आपने? अजय देखी है। कैसी लगी थी आपको फिल्म? ओके, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। अब सलमान खान की फिल्म तेरे नाम का रीमेक बनने जा रहा है, जिसमें सलमान खान तो नहीं नज़र आने वाले हैं, लेकिन आपके हिसाब से कोई एक्टर जो इस रोल के लिए फिट हो? पहली बात तो उसकी रीमेक बननी नहीं चाहिए, बट अगर बन रही है तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में रणवीर सिंह दम डाल सकता है उसमें, अच्छी रहेगी। अच्छी रहेगी। हाँ, रणवीर सिंह। एक्ट्रेस को किसको देखना पसंद करेंगे आप? एक्ट्रेस आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। अच्छा, कुछ ऐसा सीन तेरे नाम के अंदर जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो, इमोशनल क्या हो कहीं? वो जब वो पागल खाने में जब रहता है तो वो निर्जला उससे मिलने जाती है, एंड द वे वो सिक्कड़ को बांध के जो पंच करता है, बोलता है खोलो, इट इज़ वेरी इमोशनल सीन, वो बहुत टच करती है हार्ट को, तो वो सीन बहुत मतलब अच्छा इम्पैक्ट डाला था मूवी पर। जैसे कि सलमान खान ने तेरे नाम की है, तो आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि तेरे नाम टू में कैमियो करते हुए आप सलमान खान को देखना पसंद करेंगे? हाँ डेफिनेटली, मैं चाहूँगा कैमियो करे यार, क्योंकि वो मूवी जो एंड हुई थी ना, वो बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड एंड था, वो लगा नहीं था कि ऐसे एंड हो जाएगा। द वे वो जाता है उसके घर पे, वो देखता है कि वो मर गई, फिर वो चला जाता है, तो वो एंड हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो हम चाहते हैं कि आगे क्या होता है वो दिखाया जाए। आना चाहिए। एग्जैक्टली, आना चाहिए, क्या होता है आगे। जी फिल्म तो बहुत अच्छी थी, सलमान खान की एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त थी उसमें, लेकिन उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला, इसकी वजह से काफ़ी तकलीफ होती, बट एक्टिंग उनकी ज़बरदस्त थी। एंड तो कुछ ऐसा मोमेंट फिल्म के अंदर, कुछ ऐसा मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्या बताना चाहिए? उसमें लास्ट मोमेंट था क्लाइमेक्स सीन, जिसमें सलमान खान रोते रोते आते हैं, वो सीन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे मैं भी एक एक्टिंग का स्टूडेंट हूँ, सो मैं एक्टिंग मतलब मूवी देखता हूँ, बट एक्टिंग ये एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखता, मैं कुछ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, तो उनकी एक्टिंग उसमें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी अब आने वाली है तेरे नाम टू, हाँ, लेकिन जिसमें सलमान खान नहीं रहेंगे, तो क्या चाहते हैं, कौन से ऐसे एक्टर है जो सलमान खान को मतलब रिप्लेस कर सकते हैं इस फिल्म में, और किसको देखना पसंद करेंगे सलमान के अलावा? जी सलमान खान के अलावा, वैसे सलमान खान काफ़ी अच्छे खासे एक्टर है, तो अभी नए एक्टर्स को भी चांस मिलना चाहिए, ये बात सही है। मैं भी एक्टर ही बनना चाहता हूँ, तो मुझे ले ले लीड रोल, आई कैन ऑल्सो एक्ट, काफ़ी मेहनत करूँगा। और अगर दूसरे एक्टर्स को देखा जाए तो रणवीर कपूर है, वो भी काफ़ी अच्छे खासे एक्टर, रणवीर सिंह है, ऋतिक रोशन भी तो है, कोई भी एक, सब शूट करेंगे यार, अच्छे खासे एक्टर मैच कर पाए। हाँ, रणवीर कपूर, रणवीर कपूर। सलमान खान कैमियो करते देखना पसंद करेंगे आप? हाँ जी जरूर, क्योंकि तेरे नाम उनकी वजह से सुपर हिट गई थी, तो उनका आना तो बनता है। बनता है, बनता है जी बिल्कुल। तो अगर कैमियो करते हैं तो जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी फिल्म? बॉक्स ऑफिस का नहीं पता, लेकिन लोगों को आकर्षित करेगी। हाँ। मूवी सलमान खान की वजह से मूवी तेरे नाम हिट गई थी। हाँ। तो इसमें भी उनका आना जरूरी है।
हाँ मैंने तेरे नाम मूवी देखी थी लाइक 8-10 साल पहले आई थी आई गेस। हाँ काफी अच्छी मूवी थी। अच्छी लगी थी? हाँ अच्छी लगी थी। फिल्म का बेस्ट पार्ट क्या लगा था और कुछ कहीं आप इमोशनल हो गए हो फिल्म से तो? फिल्म का बेस्ट पार्ट ये था जब स्टार्ट में जो सलमान खान का रोल था काफी रोमांटिक था, काफी अच्छे से रोल को निभाया था उन्होंने, और उसके बाद में जो नेक्स्ट हाफ होता है जिसमें वो लाइक साइको का रोल प्ले करते हैं वो इट इज़ ऑल्सो द एंटरटेनमेंट पार्ट। लाइक हमें एक्सेप्ट नहीं किया था कि फर्स्ट पार्ट में ये ऐसे प्रेमी हो गए एंड सेकेंड पार्ट में ही विल प्ले द साइको रोल, सो दैट वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। जैसे कि अब तेरे नाम 2 का रिमेक बनने जा रहा है, तेरे नाम 2 आने वाला है लेकिन इसमें सलमान खान नहीं होने वाले हैं, तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे एक्टर है जो सलमान खान के अलावा मतलब आपको अच्छे लगेंगे इस किरदार में? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है वरुण धवन विल बी अ गुड एक्टर एक्चुअली, एज यू कैन सी कि वो रोमांटिक प्लेस भी कर रहे हैं एंड वरुण धवन की एक मूवी आई थी बदलापुर। हाँ तो वो जो बदलापुर का जो है लाइक जो कैरेक्टर है उनका और जो वो रोमांटिक सीन कर रहे हैं तो आई फील जो सलमान खान ने जो मार्क किया था आई गेस वरुण धवन विल गो अप टू दैट। कहीं ना कहीं सलमान खान को कैमियो करते देख आप पसंद करते देखना पसंद करेंगे फिल्म के अंदर क्योंकि सलमान खान तेरे नाम में दिख चुके हैं? या ऑफ कोर्स एक्चुअली ये मूवी सलमान खान पे ही बनी है, जैसे कि दबंग की सीरीज है। इफ सपोज लाइक हम जो दबंग का नेक्स्ट पार्ट होगा हम इमेजिन नहीं कर सकते कि उसमें सलमान खान ना हो, सेम एज दिस ऑल्सो जो तेरे नाम 2 मूवी होगी उसमें सलमान खान का कुछ झलक होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसा लगता है। हाँ। सलमान खान की फिल्म आई थी तेरे नाम, देखी थी आपने? जी देखी थी। कैसी लगी थी फिल्म? बहुत अच्छी थी मूवी, बेस्ट मुझे लगा कि अभी तक का सलमान खान का बेस्ट एक्टिंग मुझे उसमें लगता है। अच्छा। तेरे नाम कुछ बेस्ट पार्ट फिल्म के अंदर जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया और सबसे ज्यादा इमोशनल किया हो आपको? वो जब लड़की मर जाती है उनकी याद में पागल हो जाता है वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, उनका एक्टिंग बहुत प्यारा एकदम, मतलब कि हाँ वो है एक्टर सलमान खान। हाँ। अभी तो अब आने वाली है तेरे नाम 2 लेकिन उसमें सलमान खान नहीं होने वाले हैं लीड रोल में, तो उनके हिसाब आपके हिसाब से क्या लगता है कौन से एक्टर जो है वो उनको रिप्लेस कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो सलमान खान ही बेस्ट रहेगा। हाँ। और बाकी वो तो है, उसके आगे कोई आ भी नहीं सकता, उसका कोई कंपेयर कर ही नहीं सकते कि मतलब तेरे नाम तो हमने देखी है बहुत अच्छी मूवी थी, और दूसरी बात तो कोई अगर आता भी है तो मुझे लगता नहीं कि वो कर पाएंगे। लेकिन अगर तो भी अगर पूछा जाए तो क्या लगता है कौन से एक्टर है जो कर पाएंगे अच्छे से पोर्ट्रेट? मैं ये बोलूँगा कि कुछ नया है, क्योंकि बाकी जो स्टार लोग वो कर नहीं पाएंगे, कुछ नया ही कर पाएंगे जो उस लेवल के लिए एक प्रॉपर एक्टर। तो कहीं ना कहीं सलमान खान को इस फिल्म में आप कैमियो देख करते हुए देखना पसंद करेंगे? नहीं कैमियो तो पसंद मुझे नहीं करेंगे देखने के लिए, लेकिन अगर लीड में आता है तो फिर देखने का पसंद करेंगे, जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि कैमियो में मतलब छोटे से रोल में भाई को देखना नहीं पसंद करेंगे? नहीं मेरे हिसाब से नहीं। हाँ। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि सलमान खान एक ब्रांड है, तेरे नाम एक ब्रांड मूवी है, क्योंकि वो मूवी देखने के बाद हर कोई आशिक सोचता है कि यार सलमान खान बने। और वो जो उनका हेयर स्टाइल था वो एक नंबर बेस्ट था, बेस्ट। सलमान खान की फिल्म आई थी तेरे नाम, देखी थी आपने? हाँ देखी थी। कैसी लगी थी फिल्म? अच्छी, पूरी फिल्म अच्छी है। जानना चाहूंगी कि कौन सा बेस्ट पार्ट था फिल्म के अंदर जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया हो? बेस्ट पार्ट तो पूरा ही था, और दूसरा जब स्टार्टिंग होता है वो पूरा अच्छा लगा था, शुरुआत में जब कॉलेज टाइम होता है। ओके। कहीं ना कहीं आप इमोशनल हुए थे वो फिल्म को देखकर? हाँ मूवी ऐसी थी कि इमोशनल वाली थी। बाकी जैसे कि अब आने वाली है तेरे नाम 2 लेकिन उसमें सलमान खान नहीं नजर आने वाले हैं बल्कि किसी और एक्टर को अप्रोच किया जा रहा है, आपके हिसाब से कौन से हीरो इस फिल्म के लिए बेस्ट रहने वाले हैं? अगर आजकल के हीरो की बात देखें तो मेरे हिसाब से रणबीर कपूर बहुत अच्छे लव मूवी करते हैं, रोमांटिक मूवी करते हैं, क्योंकि ऐ दिल मुश्किल भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई थी। बाकी सलमान खान का अगर रिप्लेस करने की बात है तो थोड़ा मुश्किल होगा, उनके लिए भी एक वो होगा, टफ रहेगा थोड़ा। कहीं ना कहीं सलमान खान को इस फिल्म में कैमियो करते देखना पसंद करेंगे आप? हाँ सब करेंगे, वो तो थोड़ा अलग ही बात होगी और थोड़ी रीच बढ़ेगी मूवी की मेरे हिसाब से। एंडिंग भी जब हुई थी तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि अधूरा रह गया है, तो जब तेरे नाम की एंडिंग हुई थी तो उस हिसाब से करना चाहिए? हाँ मेरे हिसाब से एक लॉजिक होता है डायरेक्टर का, अधूरा इसलिए छोड़ता है ताकि अगला बंदा उसका वेट करे, तो अच्छा था वो, अधूरापन भी कभी कभी जरूरी होता है। बिल्कुल देखी थी, मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ सलमान खान का तब से ही, वो जो पागलपन था एक आशिक का शायद कुछ चीज़ें मेरे पे भी कूट कूट के भर गई उसमें से। अरे
उनकी अगर हेयर स्टाइल की बात करूँ तो वो आपको कितना यूनिक लगा था और कितने क्या बताना वो चाहिए? एक ऐसा सीन था कि मतलब एवरग्रीन हो गया कि बीच में से कुछ भी ना हो, आपके बाल कम होते हैं लेकिन यहाँ यहाँ से तब भी पलटा देते थे लोग, तो बड़ा था क्योंकि उस टाइम पे एक कट भी चली थी कि बाल यहाँ से कट हो जाते थे और इतने इतने रहते थे, तो मैंने बहुत कुटाई भी खाई है हम लोगों की, बहुत उसमें ज़बरदस्त चप्पलों से पिटाई भी होती थी कि ये क्या करके लाए, तो वो सीन बड़ा अच्छा रहा। जैसे कि अब आने वाली है तेरे नाम 2, लेकिन इसमें सलमान खान नज़र नहीं आएंगे बल्कि दूसरे स्टार कास्ट को अप्रोच किया जा रहा है, तो क्या लगता है सलमान खान के ये बिना ये फिल्म कैसी रहेगी और क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली कल बहुत बड़ी खुशी मिली थी कि भारत का ट्रेलर आया था, आज इतना बड़ा दुख है कि मतलब सलमान खान इसमें नहीं होंगे, इससे बड़ा दुख शायद 2019 में कुछ नहीं हो सकता। किसको देखना पसंद करेंगे सलमान के अलावा इस फिल्म में? ये देखो, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनकी जगह रिप्लेस करना ही, क्योंकि जो उसने एक्टिंग की थी या जो भी जैसा रहा था, एक पागलपन जैसा करेक्टर, वो कहना ही बड़ा मुश्किल है कि किसको देख पाएंगे। वो तो जैसे स्क्रिप्टिंग होगी उसमें क्या नया है, कहाँ से स्क्रिप्ट फिर से उठाई जाती है या सिक्वेंस बनाए, अभी क्या इसमें अभी कुछ बोलना बड़ा थोड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं सलमान खान को इस फिल्म में कैमियो करते हुए देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल, ये तो पूछने से पहले भी बोलना चाहूँगा, बिल्कुल करना चाहिए, यानी कि मतलब एक सॉन्ग तो होना चाहिए तो वरना मज़ा नहीं आएगा। जैसे उसमें एक सॉन्ग था कि तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, मैं तो आज ही मतलब जब बैठता हूँ शाम को 6 बजे के बाद तो वही सॉन्ग चलाता हूँ। बिल्कुल, देखिए कैसी लगी थी फिल्म? बहुत ही बेहतरीन, और वही सलमान खान बहुत दिनों के बाद कमबैक किए थे और टर्निंग पॉइंट ही उनके करियर की तेरे नाम, और बहुत बेहतरीन एक्टिंग किए थे। तो अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट फिल्म के अंदर जो आपको कुछ याद हो कि मुझे ये पार्ट सबसे अच्छा लगा था और इमोशनल क्या था, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? जब उसमें जो अपने हीरोइन है भूमिका चावला, उनसे जब अलग होने के बाद जो पागलपन है, वो चीज़ बहुत ही बेहतरीन लगा था, और उनको जब पागल खाने में रखा जाता है तो वो जो हरकतें करते हैं, जो एक्टिंग, जो रियलिस्टिक पे खेलते हैं, रियल लगता है। अच्छा, अब आने वाली है तेरे नाम 2, जिसमें सलमान खान तो नहीं नज़र आने वाले हैं, तो आपके हिसाब से कौन ऐसे एक्टर होने चाहिए जो सलमान खान के अलावा अच्छे लग सकते हैं फिल्म में, क्या लगता है? रणवीर सिंह। कुछ रीज़न? रीज़न ये है कि वो पर्सनल लाइफ में भी वैसे ही करेक्टर हैं, तो तेरे नाम का 2 में वो आने से, और वो खुद एक बहुत ही एनर्जेटिक हैं, तो रणवीर सिंह इज़ द परफेक्ट चॉइस। तो कहीं ना कहीं सलमान खान को कैमियो करते देखना पसंद करेंगे इस फिल्म में? आपके हिसाब से कैमियो करना चाहिए सलमान खान को? नहीं करना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो तेरे नाम का जो करेक्टर है वो अलग लेवल है, इसमें कैमियो कर देंगे तो सब खुश हो जाएगा, सब अच्छा नहीं जाएगा। नहीं, तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कैमियो, जो एक बना के रखा है वही। हाँ, देखिए, बहुत बार देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। कुछ सीन जो आपको बहुत अट्रैक्ट किया हो और बहुत बेस्ट लगा हो? 2-3 सीन तो बहुत अच्छे थे, सीन तो सभी अच्छे थे, लेकिन 2-3 सीन जब वो राधे जब पागल होता है और जब उसकी निर्जला या मृदुला पता नहीं क्या ना, निर्जला जब मर जाती है, अब उसके डेड बॉडी के पास आके रोता है और फिर वो चला जाता है पागल खाना, तो वो सीन बहुत ही टची सीन है, ऑडियंस रो देती है। और एक सीन और है जब उसको मारते हैं, जब वो पागल हो जाता है, तो वो भी सीन है। 2-3 सीन काफ़ी टची है, लेकिन सबसे ज़्यादा इमोशन सीन्स वो थे जो निर्जला मर जाती है और देन उससे मिलने के लिए आता है, इट्स अ वेरी टची सीन। जैसे कि अब आने वाली है तेरे नाम पार्ट 2, तो उसमें सलमान खान तो वैसे नज़र नहीं आने वाले हैं, लेकिन कौन एक्टर ऐसे हो सकते हैं जो सलमान खान के अपोजिट मतलब अच्छे से पोर्ट्रे कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि सलमान तो है नहीं? देखो, जहाँ तक बात है ना, सलमान खान नज़र नहीं आएंगे और सलमान खान को रिप्लेस करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। जी, जी, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। चाहे उनकी स्टाइल हो, चाहे रोना हो, चाहे हंसना हो, उनका खुद में एक स्टाइल है जो बहुत कम एक्टरों में होता है। और जहाँ तक रिप्लेस की बात है, बहुत कम एक्टर हैं जो उनको रिप्लेस कर पाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो एक बार फिल्म बन गई, अगर ये तेरे नाम बनेगी तो उस प्रकार की हिट नहीं होगी, और लोग सलमान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारा सीन देखेंगे। और एक एक्टर है, हो सकता है, इट मे बी क्वेश्चन मार्क है, हो सकता है कि शायद रिप्लेस कर सके, शायद वैसी एक्टिंग कर सके आज के टाइम में, थोड़ा सा वरुण धवन शायद कर सकता है, पर वो भी कंफर्म नहीं है। बाकी इसमें औरों में कोई चांस नहीं कि सलमान खान साहब को रिप्लेस कर सके, वैसा जेस्चर ला सके, वैसा एक्टिंग कर सके, बिकॉज सिर्फ तेरे नाम के लिए जी। बस लास्टली क्या विश करना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, तेरे नाम पार्ट 2 को लेकर? नहीं, बने
جو بنے جو پر میں یہی کہنا چاہوں جو ایک بار بن گئی ستیش کوسک صاحب نے بہت اچھا بہترین ابھینے کروایا تھا سلمان خان سے اس ٹائم کی بہت اچھی فلم تھی جب سلمان خان کی فلمیں ہمیشہ فلاپ ہوتی تھی اس سمے کی ہٹ فلم تھی اور لوگ ان کے طرح ہیئر اسٹائل رکھے تھے تو یہ سارا کریڈٹ ڈائریکٹر کو جاتا ہے اس کے بعد ایکٹر کو جاتا ہے لیکن اگر یہ فلم بنتی ہے تو شاید ویسا ہٹ نہیں جائے گی جو ہٹ ہوئی تھی آل دا بیسٹ بہت اچھے جیسے چلے فلم جیسے تیرے نام چلی تھی اسی طرح یہ بھی بہت نام کمائے میں چاہوں گا کہ آپ اس سے اچھی اور بناؤ مووی کو اینڈ بیسٹ آف لک فلم کی اسٹوری کافی اچھی ہونی چاہیے اور ڈائریکشن بھی اچھا ہونا چاہیے بس تیرے نام فرسٹ تھی ویسے تیرے نام ٹو بھی آئے اور اچھا لگے اچھی اسٹوری ہو اچھی کاسٹنگ ہو پلیز جلدی لے کے آئیے مارکیٹ میں ہم لوگ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں سو گائز آپ نے تو دیکھ ہی لیا کہ فینس کا کیا ریاکشن ہے اس فلم کو لے کر وہ کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہیں نہ کہیں آپ کو سلمان خان کی کمی کھلنے والی ہے کہ نہیں یہ ہمیں ضرور بتائیے نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں اور بالی ووڈ اسپائی کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو جرنلسٹ تشار کے ساتھ پوجا مشرا بالی ووڈ اسپائی